नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए ठीक है, नया टॉपिक देखना है, नया सब्जेक्ट इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो एकदम जो बचपन में डेफिनेशन बताते हैं ज्योग्राफी क्या होता है, भूगोल क्या होता है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। उसके लिए आपके पास गूगल अवेलेबल है, किताब अवेलेबल है, जो काम की चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई यहाँ पे होगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को दिक्कत नहीं, मैं दोनों लैंग्वेज बताऊंगा। जिसको अपनी इच्छा अनुसार आप लिख सकते हो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो पहला टॉपिक इंडियन रिवर, पहला ही नदी, भारतीय नदी के बारे में पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी में अगर देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन रिवर ही है। यहाँ से क्वेश्चन डैम श्योर बनता ही है, किसी भी एग्जाम में देख लो, बिना इंडियन रिवर के आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। चलिए, अब छोटी बड़ी सभी नदियों को मिलाओगे तो लगभग 1000 से ज़्यादा नदियाँ हो जाएंगी। ठीक, तो सभी नदियों को हमको पढ़ना है क्या? नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ी बड़ी है साइज में, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, और सुविधा की दृष्टि से इंडियन रिवर्स को दो भाग में पढ़ेंगे हम लोग। पहला हिमालयन रिवर्स, हिमालय की नदियाँ, और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। प्रायद्वीपीय नदियां, हिंदी में स्पेलिंग देख लीजिएगा मात्रा। ठीक है, क्या बोला? भारत की नदियों को दो भाग में पढ़ेंगे, पहला हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय की नदियां। कैसे हिमालय की नदियां और कैसे प्रायद्वीपीय की नदियां, देखो आपको मालूम होगा ये नीचे वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये पेनिनसुलर। ठीक है, ये इसको पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? एक तो तीन तरह से ये किससे घिरा हुआ है, पानी से, समुद्र से, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर। जो भी ऐसा लैंड बाउंड्री जो तीन समुद्री पानी से घिरा हुआ हो उसको क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर। और इसका पार्ट अगर आप देखोगे ऐसे 2D फिगर में बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से उठा हुआ है, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू बोला जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो इधर की नदियां देखेंगे, हिमालय का विस्तार आप देखोगे जो हिमालय है कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। हिमालय की भी अलग अलग रेंज है, अलग अलग श्रेणी है। ठीक है, तो इस तरफ से जो भी नदियां निकलेगी वो हिमालयन रिवर्स। मैं क्या बोला, नदियों को अपनी सुविधा की दृष्टि से दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, पहला हिमालय की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, अब हिमालयन रिवर्स भी तीन पार्ट में बटेंगे, आपको तीन पार्ट में देखने को मिलेंगे। पहला सिंधु अफवाह तंत्र, ठीक है, इंडस, इंग्लिश में इसका नाम दे दिया गया है इंडस। दूसरा रहेगा गंगा अफवाह तंत्र, ठीक,
और तीसरा मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र। हाँ ब्रह्मपुत्र यूनिवर्सिटी। भारत की नदियां दो भाग में, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय को भी हम दो तीन भाग में बांटे, सिंधु उपतंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अभी देखे होगी ये नदी पढ़ते पढ़ते यहाँ पे नदी का मेंशन ना हो के क्या लिखा हुआ है, अपवाहतंत्र या रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम। रिवर तो समझ आता है, रिवर सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, तो देखते हैं। सपोज इस भाग से एक नदी बह रही है, उस नदी का नाम है क्या, गंगा। ठीक, यहां से एक नदी बह रही है, उस नदी का नाम क्या ले लो, गंगा। ठीक है, गंगा नदी बह रही है, तो खाली इसी नदी की मैं बात करूं तो वो गंगा नदी कहलाएगी। ठीक है, गंगा रिवर। लेकिन इस नदी में और भी बहुत सारी नदियां आके मिलती होंगी, छोटी बड़ी। ठीक है, तो लो ये इधर से नदियां आके मिल ली, इधर से और भी नदियां आके मिल गई। इन नदियों की भी और सहायक नदी होंगी, सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो और ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसमें आके मिल गई। तो खाली मैं इस पर्टिकुलर इस रिवर की बात करता तो गंगा नदी, लेकिन अब ये जो सिस्टम बन गया है जिसमें गंगा और भी बहुत सारी नदियों को लेकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है, तो ये पूरा सिस्टम को क्या बुलाता है, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ये गंगा रिवर सिस्टम हो गया या गंगा ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर है ड्रेनेज सिस्टम क्या। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। इसलिए यहाँ पे एक नदी की बात नहीं की जा रही है, पूरे अपवाहतंत्र की बात की जा रही है, सिंधु अपवाहतंत्र या इंडस रिवर सिस्टम या फिर इंडस ड्रेनेज सिस्टम, फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर को हम दो भाग में बांटेंगे। एक तो जो अरेबियन सी में जाके गिरती है नदियां, अरब सागर की खाड़ी में, ठीक है, अरब सागर में, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कहाँ से आया, ये बचपन से सभी पढ़ते आ रहे हो तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया, अरेबियन सी, ये वाला बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इधर का इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर। इसमें कंफ्यूज होता था कौन सा बे ऑफ बंगाल कौन सा अरेबियन सी, तो मैं ए बी करके याद कर लिया, ऐसे ही रख लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, इधर वाला ए इधर वाला बी, अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, क्लियर। तो पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उसको दो भाग में पढ़े, एक ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है, ठीक है, नदी कहीं ना कहीं ऐसे गायब थोड़ी हो जाएगी, कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। ठीक है, तो ये नदी जाके कहाँ मिलती है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, राइट साइड। लेफ्ट साइड जो आएगी अरेबियन सी, इसको दो भाग में पढ़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमको देखना है हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। मैंने क्या बोला, भारत की नदी को दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स तीन भाग, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत तो और नदियां रहेंगी। पेनिनसुलर रिवर दो भाग में, एक जो अरब सागर में जाके पानी गिरा है और दूसरा जो बे बंगाल में जाके मिले। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहला सिंधु अपवाहतंत्र से। अभी ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है क्योंकि 100-150 ज्यादा नदियां मिल जाएंगी आपको, सभी नदियों का ओरिजिन आपको याद रखना है, ओरिजिनेशन, कहाँ से उद्गम हो रहा है, उसका डेस्टिनेशन, उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चैप्टर। तो सबसे पहले जितनी नदियों को हमको देखना है ना, उस नदी को मैं लाइन से लिख दे रहा हूँ और उसका उद्गम स्थल आपको याद करा रहा हूँ, ओरिजिन। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, याद करना, ठीक है, लाइन से देखते चलना, अटेंशन पे करना, चाहे वो पुराने स्टूडेंट हो चाहे डेमो क्लास वाले हो। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डालना सिंधु अपवाहतंत्र, या इसी को इंग्लिश में बोला था इंडस। इसके अंतर्गत आपको छह नदियां मिलेंगी, खुद सिंधु, या इसको इंग्लिश में इंडस लिख लो। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। व्यास को BES लिखा जाता है, प्रोनाउंस व्यास किया जाता है। सिंधु, झेलम, चिनाब,
रावी व्यास 17 और जगह छोड़ना इसके ओरिजिनेशन हम लोग लिखेंगे सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास 17 लास्ट वाला सतलज SUTLAJ सतलज ठीक है सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। अब इसको क्रम से याद रखना ठीक है इसका जो ऑर्डर है वो आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभार जमाने देता है नॉर्थ से साउथ बताइए ठीक है साउथ से नॉर्थ बताइए तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको ऑर्डर में याद रखें ठीक। तो कैसे याद रखना सिंधु अफवाह तंत्र को सबसे पहले सिंधु नदी जो निकलती कहाँ से है वो याद रख लेते हैं। सिद्धू पाजी जानते हो सिद्धू पाजी क्रिकेटर कमेंटेटर तो इस सिंधु अफवाह तंत्र को मैं वैसे याद कर लिया सिद्धू पाजी से। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि वो सिद्धू पाजी जो है यहाँ मानसरोवर स्कूल में पढ़े हैं इधर मानसरोवर स्कूल है जानते हो यहाँ पढ़े थे नहीं जानते हो अब याद रख लेना पढ़े कि नहीं पढ़े नहीं मालूम लेकिन कहाँ पढ़े हैं मान ला मानसरोवर 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 स्कूल से याद रख लेना क्या मानसरोवर लेक मानसरोवर झील और ये मानसरोवर झील है कहाँ तिब्बत में ठीक है कहाँ तिब्बत में और ये तिब्बत कहाँ है अभी अब चाइना का पार्ट है ठीक है चाइना ने हड़प लिया तो मानसरोवर लेक मानसरोवर झील यहाँ से सिंधु नदी निकलती है ठीक है और सिंधु नदी के अंतर्गत 6 नदी देखेंगे सिंधु अफवाह तंत्र के अंतर्गत 6 नदी देखेंगे ठीक। अब सिंधु नदी क्या बताया मानसरोवर लेक के पास से निकलती है तिब्बत चाइना में। अब इसका जो मेन ओरिजिन है वो अभी तक विवादित है मतलब जहाँ से पानी निकलती है वो अभी तक खोजकर्ताओं ने कंफर्म नहीं किया कि एक्चुअल में कहाँ से निकल रही है। कभी बोल देते चेमायुंग ग्लेशियर से नाम है उसका चेमायुंग कोई उसको चोमुलुंगलुंग बोलता है तो कैसे याद रख लिया सिद्धू किसी को बहुत अच्छा लगता है और किसी को चोमुलुंगलुंग नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो फिलहाल चूंकि वो विवादास्पद है इसलिए उसको लिखा ही नहीं रहा है ना अलग अलग नाम चेंज होते रहता है। तो सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज अब इसको नॉर्थ से लेके साउथ तक याद रखना ठीक है मैप में देखेंगे मैप के लिए जगह छोड़ना लिख रहे हो उसके बाद एक छोटा सा आधा पेज मैप के लिए वहां पे छोड़ देना ठीक है। सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज इसको कैसे याद किया सिद्धू पाजी किसी को उसका कमेंट्री अच्छा लगता है किसी को ऐसा लगता है कि झेला रहा है ठीक है तो सिद्धू पाजी क्या करता है झेलाता है सिद्धू पाजी से सिंधु नदी झेलाता है से झेलम ठीक है और छत्तीसगढ़ में उसको चेंदना बोलते हैं मतलब चेंद चेंद के पूछा थे ऐसे सुने तो झेलाता है कौन सिद्धू पाजी झेलाता है चेंदता है चेंदना से क्या चिनाब रोज रावी ठीक ऐसे याद रखना फिर व्यास सतलज याद रह जाएगा। और अगर ये याद नहीं रखना है राइम में आप याद करोगे सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज तो भी याद हो जाता है ठीक है। शुरुआत याद रखना सिंधु झेलम चिनाब फिर रावी व्यास सतलज ये याद रह जाएगा आपको ठीक है इतना क्लियर। तो ये नदियाँ याद रहेंगी कि आपको ठीक। अब देखो ये आपका चाइना लिखा हुआ है तिब्बत लिखा हुआ है ठीक है तिब्बत पे भी चाइना का कब्जा है यहाँ पे तिब्बत में मानसरोवर लेक है ठीक है मानसरोवर झील है ये यहां से निकलती कौन सी सिंधु नदी ठीक। और एक सबसे लास्ट नदी देखे थे सतलज ठीक है ये सतलज ऐसे एंट्री मारती है ठीक है। व्यास नदी देखे व्यास नदी यही पंजाब में मिल जाती है ये इसका मैप ठीक है जो 6 नदी देखे ये 6 नदियों का मैप है 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो इसको इधर लिख लो यहाँ पे मैप बना लो ना जो सिंधु अफवाह तंत्र है उसका मैप अगर बनाना हो ये वाला नदी हो गया सिंधु ठीक है ये हो गया सतलज ये नदी ठीक है ये 6 नदी और उसका मैप
रेफ मैप बनाना है आपको अपने याद करने के लिए, ठीक है, बाकी गूगल से देख के फोटो चिपका लेना उसका, ठीक है। एग्जैक्ट बनाने जाओगे तो फिर झेलम कहीं और से निकल रहा है, चिनाब रावी वो स्टेट भी मैटर करेगा, ठीक, और किसी एंगल से इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला पार्ट लग नहीं रहा, तो रफ मैप ही बनाना है, सजा के नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो, चलिए, तो हिमालयन रिवर्स में पहला सिंधु नदी अफवातंत्र जो देखना था उसके नदी याद कर लिए, इंपॉर्टेंट जो रिवर्स है वो देख लिए, उसके बाद कौन सा अफवातंत्र था, गंगा, तो गंगा देखते हैं, गंगा भारत से निकलती है, जैसे सिंधु नदी जो थी वो तिब्बत से निकल रही थी, गंगा रिवर है, आपको मालूम होगा भागीरथी अलकनंदा, अगर कोई उत्तराखंड तरफ गया होगा तो इसके संगम पर जाया जरूर गया होगा, तो भागीरथी और अलकनंदा दो नदी है, ठीक है, तो ये दो नदी जहाँ पे मिलती है जगह का नाम है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से जो मिल के आगे नदी बहती है उसका नामकरण क्या कर दिया गया है, गंगा, ठीक है। तो शुरुआत में भागीरथी और अलकनंदा दो नदी अपना पानी मिलाती है और वहां से आगे नदी क्या कहलाती है, गंगा, ठीक है। तो गंगा नदी अफवातंत्र के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालना गंगा, अफवातंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम, और सहायक नदी मतलब होता है ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैप पे एक बार बताता हूं फिर आगे वो रफ मैप ड्रॉ करेंगे। यहां उत्तराखंड में दो नदी मैंने बोला भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके मिलते हैं और गंगा नदी का निर्माण करते हैं और ये गंगा नदी आगे ऐसे बहते जाती है। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये दो अलग अलग धारा में बढ़ जाती है, ठीक है। एक नदी जो बांग्लादेश जाती है जो गंगा की मूल शाखा है, एक और छोटी ब्रांच निकल जाती है वेस्ट बंगाल में बहती है, उसका नाम पड़ जाता है हुगली, जो बंगाल में बहती है बीचों बीच, ठीक है, और एक बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में पहुंच जाता है। तो ये गंगा नदी, और गंगा नदी आगे चल के मैं क्या बोला, बांग्लादेश में एंट्री मारता है, उससे पहले पश्चिम बंगाल में टूट जाता है और पश्चिम बंगाल तरफ बहता है, ठीक है, उस नदी का क्या नाम है, हुगली नदी, ठीक। तो ये गंगा की कुछ सहायक नदियां देखेंगे, और गंगा की सहायक नदी में भी उत्तर से आकर मिलने वाली और दक्षिण से आकर मिलने वाली, या लेफ्ट से आकर मिलने वाली या राइट से आकर मिलने वाली। देखो उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ तो आपको समझ आएगा, अगर इधर से आके मिल रही है तो नॉर्थ, इधर से आके मिल रही है तो साउथ, लेकिन लेफ्ट और राइट कैसे जज करोगे। तो अगर मैं इस तरफ फेस किया हुआ हूँ तो मेरा राइट इधर और लेफ्ट इधर, इस तरफ फेस किया हुआ डायरेक्शन चेंज हो गया, मेरा राइट इधर और लेफ्ट इधर, आपके लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा राइट और लेफ्ट, ठीक। तो वैसी नदी किधर फ्लो कर रही है उसको देखना होता है, अब नदी तो इधर बह रही है तो इस तरफ से जो भी आएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट से आने में नदियां और इधर से राइट से नदियां। अब उसमें लेफ्ट राइट का भी आपको ऑर्डर जमाना पड़ेगा, ठीक है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना, या नॉर्थ साउथ अगर पूछे तो ऑर्डर से आपको नाम याद रखना है। तो नाम याद रखना बहुत आसान है, देखो सबसे पहले उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां, जो नदी नॉर्थ से आकर मिल रही है उसको देखते हैं। तो ये नदी मेन नदी क्या, गंगा, जस्ट गंगा से मिलता उलता नाम है रामगंगा, ठीक है, गंगा देन रामगंगा, एक नदी आके मिलेगी रामगंगा, रामगंगा भगवान हो गया राम भगवान, अब भगवान से रिलेटेड और माता एक और मिल जाएगी गौ माता, गंगा रामगंगा गौ माता से गोमती याद रखना, गौ माता से क्या, गोमती। अब माता क्या पहनेगी, घाघरा, तो घाघरा से याद रखना घाघरा नदी, ठीक है, गंगा उसकी सहायक नदी रामगंगा, रामगंगा के बाद कौन, गोमती, और ये गौ माता क्या पहनेगी, घाघरा, तो घाघरा से घाघरा ही नदी याद रखना, ठीक है। फिर ग से घाघरा, ग से गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है, तो ये अलग अलग नदियां हैं, इसको लिखिए नॉर्थ, उत्तर से जो आकर मिल रही है वो नदियां, सबसे पहला क्या बोला, रामगंगा, रामगंगा,
फिर जस्ट राम गंगा भगवान का नाम हो गया, एक और गौ माता को भी भगवान मानते हैं, ठीक है। तो गौ माता से याद रखना गोमती, अब ये जो गौ माता है माता क्या पहनेगी, घाघरा, ठीक है। तो घाघरा से नाम ही घाघरा है, ठीक है। फिर जी से घाघरा है, जी से गंडक कोसी, गंडक कोसी, और एक लास्ट क्या ना महानंदा, गंडक कोसी महानंदा, कोसी और लास्ट वाला है महानंदा। महानदी अलग है जो छत्तीसगढ़ में बहती है, महानंदा अलग है जो दार्जिलिंग साइड से निकलती है, बहती पश्चिम बंगाल। ठीक है, इतना क्लियर क्या? अब यहां पे मैंने बोला ये कौन सी नदी आ गई, भागीरथी अलकनंदा, और ये भाई क्या गंगा। गंगा आगे चल के दो भाग में बटेगी, एक हुगली और एक जो ओरिजिनल गंगा है, आगे चल के बांग्लादेश में वो नाम चेंज हो जाता है उसका, ठीक है, गंगा का पद्मा हो जाता है, वो बात का पार्ट है, जब डिटेल में देखेंगे, फिलहाल ओवरव्यू दे लें। इसके बाद ऊपर से मिलने वाली सहायक नदियां क्या क्या देखें, ये खुद गंगा है, ये कौन सी राम गंगा, ठीक है, राम गंगा। जस्ट एक और नदी बोला राम गंगा के बाद गौ माता से रखना गोमती, ठीक है। माता क्या पहनेगी, घाघरा, फिर गंडक कोसी, और पश्चिम बंगाल से एक आती नदी क्या है महानंदा, ठीक है, ये नदी हो गया क्लियर। इसको मैं लेफ्ट भी बोल सकता हूं क्या, तो ये उत्तर से मिलने वाली नदियां या लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब बाएं से आकर मिलने वाली नदियां, क्यों, इसका जो फ्लो है इस साइड है, ठीक है। तो ये मैप ड्रॉ कर लीजिए एक बार, चलिए अब साउथ से आके दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां देखते हैं, यही गंगा की ही साउथ या दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां, इसी को मैं राइट बोलूं तो कुछ गलत बोलूंगा क्या, नहीं, राइट या दाएं से आकर मिलने वाली नदियां, ठीक है। अब देखो ये आपकी गंगा नदी थी, ठीक है, यहीं से इसको फॉलो करते हुए आती है एक नदी, नाम है उसका यमुना नदी, बंदरपुर चोटी से निकलती है, ठीक है, यमुना नदी, गंगा यमुना सरस्वती सुने ना नाम, तो यमुना नदी इसको फॉलो करते हुए आती है और गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये गंगा, गंगा की सहायक नदी कौन, यमुना, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी कौन सी, यमुना। अब यमुना की भी कुछ सहायक नदी होगी, तो जो यमुना की सहायक नदी है अल्टीमेटली मैं उसको गंगा की सहायक नदी बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि यमुना उसका पानी लेके कहाँ जा रहा है, गंगा में तो जा रहा है, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदी को भी हम गंगा की सहायक नदी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज के अंतर्गत। तो ये यमुना हो गया, यमुना रिवर। अब इस यमुना रिवर में चार मेन रिवर हैं जो हमको पढ़ना याद रखना है, ठीक है, चार नदी का नाम है, चंबल, गोला क्यों बनाया मैं बताता हूं, चंबल, दूसरा काली सिंध, बेतवा, केन, सोन, ठीक है।
ये लाइन से नदियां चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन और ये सब। काली नदी अलग है याद रखना, और ये काली सिंध है यहां। ये सोन नदी यहाँ पे जो ड्रॉ किया हो ना, ये चार नदी मैंने बोला जो यमुना की सहायक नदी है, अल्टीमेटली गंगा की सहायक नदी है, एक अलग से ड्रॉ किया सोन, वो डायरेक्ट किस में जाके मिल रही है? छत्तीसगढ़ में जो पढ़े हैं सोन नदी अपवादंत्र पढ़े क्या? छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां जाके सोन नदी में मिलती है, ठीक है। अब ये सोन नदी का जो उद्गम है विवादास्पद है, गूगल में सर्च करोगे तो गोरेला पंडरा मरवाई दिखाएगा, पहले बिलासपुर दिखाता था अब जीपीएम दिखाता है, ठीक, लेकिन कहीं एमपी अमरकंटक बताता है। अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो गोरेला पंडरा मरवाही से तो नहीं निकलते हुए देखे, ठीक है। चलो इसका क्रम याद करेंगे, मैं क्या बोला अभी शुरुआत से रिवाइज कराता हूँ एक बार। हिमालयन रिवर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इधर ध्यान दो, हिमालयन रिवर पढ़ रहे हैं, तीन भाग में देखे, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अभी ब्रह्मपुत्र पे नहीं आए, सिंधु पे याद है, सिंधु नदी, सिद्धू पाजी से याद किए, वो नदी कहाँ से निकलती पूछने से? मानसरोवर झील से ना, तिब्बत चाहे, ठीक है। एक्चुअल कौन से ग्लेशियर से निकल रही है वहां से, अभी उसका विवादास्पद है, ठीक है, तो उस पर नहीं जा रहे, मानसरोवर झील से निकलती, इतना याद रखना, मानसरोवर झील के पास से। अब उसकी सहायक नदी सिद्धू पाजी से याद रखना, सिद्धू पाजी क्या करता है? झेलाता है, झेलाने से झेलम, चिंदता है, चिंदना से रखना चिनाब, फिर रावी, व्यास, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद कौन सा नदी देखे? गंगा, ठीक है, गंगा रिवर बांट दिए, ऊपर से आकर मिलने वाली नदियां और नीचे से आकर मिलने वाली नदियाँ, सिंधु में ऐसा क्यों नहीं बांटे, वो सब नीचे से ही मिल रही है, ठीक है, एक ही जगह से, और जो छोटी मोटी नदी है उसको देखेंगे जब सिंधु नदी पढ़ेंगे डिटेल में। तो गंगा की नदी ऊपर से आकर जो मिलने वाली नदियां हैं, गंगा से जस्ट नेक्स्ट याद किया कौन सा? राम गंगा, गंगा देन राम गंगा, राम गंगा भगवान हो गए, भगवान से मिलते होते नाम, गौ माता, गौ माता से रखना गोमती, ठीक है, गोमती, और माता क्या पहनेगी? घाघरा, घाघरा नदी याद रखना, ठीक है, फिर घ से घाघरा, घ से गंडक, गंडक, उसके बाद कोसी, देन महानंदा, ठीक है। फिर नीचे से आकर मिलने वाली नदी तो एक यमुना नदी राइट साइड उसको फॉलो करते हुए आती है और इटावा के पास मिलती है गंगा नदी में। अब यमुना में खुद चार नदियां आकर मिलती हैं जो अल्टीमेटली जाके कहाँ मिलेंगी? गंगा में ही मिलेंगी। तो यमुना में नदी कौन कौन सी चार लाइन से? चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन, और एक अलग से मिलती कौन सी? सोन। इसके क्रम को याद रखना, कैसे याद रखोगे? ये जो गोला बनाए हुए है मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, ठीक है, मालवा, मालवा का पठार, ठीक है, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये तीन क्षेत्र में फैले हुए, तीन राज्यों में फैला हुआ है मालवा का पठार। पठार मतलब समझ लेना ऐसा थोड़ा सा उठा वाला एरिया, ये एकदम ऐसा चोखी जैसा दिख रहा है, पहाड़ हो गया, ये प्लेन मैदान, ठीक है, और ये दोनों का मिक्सचर, क्रॉस ब्रिड, प्लेट्यू, ठीक है। अब इसके क्रम को कैसे याद रखोगे? सुनना ध्यान से, जैसे बचपन में लड़के तो ऐसा काम करते ही हैं, ब्लेजर निकाले किसी के मुंह में डाले और उसको क्या मारते हैं, मारना, बत्ती देना, मिलता उलता शब्द है जब आमतौर पर बॉयज यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ब्लेजर की जगह आप क्या निकाले? कंबल निकाले, ठीक है, कंबल निकाले और किसके मुंह में डाले? काली लड़की, ठीक है, कंबल निकाले और काली लड़की के मुंह में डाले और उसको कैसे क्या दिए? बत्ती। कंबल से याद रखना चंबल, किसके ऊपर डाले? काली लड़की के ऊपर, तो काली सिंध। बत्ती दिए से याद रखना, तब वो मार खा रही अंदर से तो चिल्लाएगी ना, कौन कौन? नहीं चिल्लाएगी, पूछेगी कौन कौन, तो आवाज आएगा सोन, नहीं समझे, ठीक है, चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, सोन, ठीक है, इतना क्लियर। पहले एक टोन्स भी बजाता था बीच में,
ठीक है, टोन्स, लेकिन वो टोन्स का जो शायद चार्ट है वो गलत हो गया था, वो उत्तराखंड से निकलता है, तो अभी इसको स्किप कर दिया, यमुना रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन और कौन सा हो गया, सोन, ठीक है याद रहेगा, ये लिखा हुआ है। कंबल ओढ़ाए मारे किसको, काली लड़की को, तो कंबल से रखना चंबल, काली लड़की से रखना कालीसिंध, काली अलग है, कालीसिंध अलग है, ठीक है, महानदी अलग है, महानंद अलग है, कालीसिंध उसको क्या दिया, बत्ती, बत्ती से रखना बेतवा, तो वो चिल्लाई क्या, कौन कौन, कौन से रखना केन, तो आवाज आया क्या, सोन, ठीक है, तो केन और सोन, ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ब्रह्मपुत्र, ये जो गंगा था उसका ओरिजिनेशन लिखना ना देवप्रयाग, ठीक है, उत्तराखंड में देवप्रयाग, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ये भी निकलती कहां से, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील, तिब्बत, चाइना, ठीक है। अब देखो वापस मैप पे आते हैं, देखो ये यहां पे मानसरोवर झील है, यहां से ना तीन नदियां निकलती है, तीन इंपॉर्टेंट रिवर, एक सिंधु और एक सतलज, सतलज भी निकलती है आगे पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है, और एक यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है जो तिब्बत चाइना होते हुए इधर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास एंट्री मारती है, ठीक है, मतलब भारत में एंट्री मारता है, और यहाँ से तो ये, और इधर से आपको मालूम है एक और नदी निकलती थी, कौन सी, गंगा, जिसका एक पार्ट हुगली में मिल जाता था और दूसरा पार्ट बांग्लादेश जाता था, तो ये गंगा और बांग्लादेश जाके, गंगा और ब्रह्मपुत्र जाके कहाँ पे मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है, उसका अगर मैप ड्रॉ करना हो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ये, ठीक है। तो इसकी जो सहायक नदी है उत्तर दक्षिण वाला नहीं याद करेंगे, छोटी छोटी नदियां हैं इधर, बहुत ज्यादा लंबी नदी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, पहाड़ी नदियां हैं तो बहुत ज्यादा लंबा नदी नहीं मिलेगा, दो ही नदी को बस याद रखना, एक अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, दिबांग और लोहित, यही दो का लोकेशन बस याद रखना, दिबांग और लोहित, बाकी सिर्फ उसका ट्रिब्यूटरी याद रखेंगे, उसका ओरिजिनेशन डेस्टिनेशन कुछ नहीं, ठीक है। ये मैप अगर ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, कर लो, कंजूसी मत करो। क्या छोटा स्टूल इधर या नीचे होगा, नीचे होगा पूरा, यहां पे है लेकिन पैर रखे हुए, ठीक वापस आते हैं। तो देखो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखेंगे, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज और डायरेक्ट नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब उसकी टोटल 8-9 सहायक नदियां हैं इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। तो इसको याद रखने के लिए क्या करना, ऐसे अलग अलग बेसिस पे याद कर लेंगे, जैसे ब्रह्मपुत्र नाम में ही ब्रह्मा भगवान है, ठीक है, तो उससे मिलता उलता चीज जो भी आएगा याद रखेंगे। अब जैसे ब्रह्मा एक नाम हो गया, वैसे नाम से मिलते उलते तीन नाम मिलेंगे आपको, जैसे रोहित शर्मा सुने हो गया नाम, रोहित से रखना लोहित, देवांगन नाम सुने हो क्या, देवांगन सरनेम रहता है तो देवांगन से दिबांग, धनश्री सुने हो क्या, चहल की वाइफ, तो धनश्री वही नाम है ना, धनश्री धनश्री, ठीक है, तो धनश्री, ठीक, तो ये तीन नाम तो यही हो गए,
कौन कौन सा? एक तो दिबांग, दिबांग ठीक है, दूसरा क्या बोला, लोहित, तीसरा धनश्री, दिबांग, लोहित और कौन सा, धनश्री ठीक है। तो नाम वाले एक फिगर दिबांग, लोहित, धनश्री, दिबांगन से दिबांग याद रख लेना, ब्रह्मा भी नाम हो गया है ना, दिबांगन से दिबांग याद रख लेना, रोहित शर्मा से लोहित याद कर लेना, वो चहल की वाइफ धनश्री डांसर जो है ठीक है, तो वो उससे धनश्री याद रख लेना ठीक है। अब बोला जाता है कि भैया इंसानों को किसने बनाया, मनुष्य को किसने बनाया, भगवान ने बनाया, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता से बोला जाता है नहीं है पता नहीं, बट याद वैसे रखना है। तो मनुष्य को किसने बनाया, ब्रह्मा ने, तो मनुष्य मानस, तो मानस जो रिवर है वो भी इसकी सहायक नदी है, चौथा मानस। और मनुष्य क्या खाता है, काजू बादाम पिस्ता खाता है, काजू बादाम पिस्ता से रखना तिस्ता ठीक है, क्या रखोगे तिस्ता। ठीक, तीन नाम से मिलता जुलता नाम है, दिबांग, लोहित, धनश्री ठीक है, और दो नाम मानस, तीस्ता ठीक है। अब जैसे कोई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कर रहा है, तो सुभान अल्लाह कर रहा है मतलब भगवान को याद कर रहा है, कोई सुभान अल्लाह याद कर रहा है, कोई ब्रह्मा ब्रह्मा कर रहा है, तो सुभान अल्लाह से रखना सुभान श्री ठीक है, सुभान श्री ठीक है। सुभान श्री, और ये राइम करेगा सुभान श्री पिथुमारी, री री राइम कर रहा है तो ऐसे याद रख लेना, सुभान श्री और पिथुमारी, पिथुमारी सुभान श्री और पिथुमारी। और एक थोड़ा सा अटपटांग नाम है उसको एक साथ रख लेते हैं, जिया बरेली और पगलरिया ठीक है, जिया बरेली और क्या, पगलरिया, पगलारिया। इसमें से ये दिबांग और लोहित बस ये दो को याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती हैं, बाकी का अगर तीव्र इच्छा हो तो आप याद रख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, आप ढूंढ के उसको लिख सकते हैं। आंध्र नहीं, अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ठीक। ऊपर हिमालय रिवर का ओवरव्यू देख लिए, इतनी नदियां हमको पढ़नी है ठीक है, कल उसके डीप में जाएंगे। हिमालय रिवर तीन भाग में वापस रिवाइज कर रहा हूं, सुनना फिर पूछूंगा मैं। शुरू का कौन सा, सिंधु नदी अपवादंत्र, उसके अंतर्गत छह नदी पढ़े हम लोग, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। गंगा नदी के अंतर्गत ऊपर से और नीचे से आकर मिलने वाली नदियां देखे ठीक है, ऊपर से आकर मिलने वाली नदियां में गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ठीक है। तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, गंगा फिर रामगंगा फिर गौ माता से गोमती याद किए, घाघरा, गंडक, कोसी को भी रिलेट किया हूँ, बताऊंगा तो गलत हो जाएगा इससे नहीं बता रहा हूँ ठीक है। तो गंडक, कोसी, महानंदा नॉर्मली आप याद रख लेना। नीचे से आकर मिलने वाली नदी है कि यमुना बताया था, यमुना में खुद चार नदी मिलती है, जो कि कौन से पठार से, मालवा प्लेट्यू, मालवा के पठार से निकलती है ठीक है।
मलवा के पठार से निकलती है, चार नदी कौन कौन सी तो याद रखना, तो वो बताए थे कंबल से चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन, सोन। सोन नदी मालवा के पठार से नहीं निकलती, वो अमरकंटक का पठार है, अलग अलग पठार है। इधर मालवा का पठार मिलेगा, फिर बुंदेलखंड का पठार मिलेगा इस साइड में, नीचे थोड़ा सा आओगे तो अमरकंटक का पठार मिलेगा। तो जो सोन नदी है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है, आगे पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। तो ये याद रहेगा लाइन से, कंबल डाले किसके ऊपर, काली संधि काली लड़की पर, और बत्ती दिए उसको, वो पूछी कौन कौन, आवाज आया सोन सोन, ठीक है। चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन, सोन, ये हुआ गंगा। फिर ब्रह्मपुत्र देखे, ब्रह्मपुत्र बस दो नाम याद रखना, दिबांग और लोहित, जो अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, बाकी का ओरिजिनेशन मत याद रखना। उद्गम मतलब होता है ओरिजिनेशन, ठीक है, जहाँ मुहाना है, जहाँ मिल रही है, उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन या एग्जिट पॉइंट, ठीक। तो इसको कैटेगरी में बांट के हम लोग याद कर लिए, ब्रह्मपुत्र ब्रह्म भगवान नाम है, तो वैसे ही नाम से याद किए तीन नाम, दिवांगन से दिवांग कर लिए, रोहित शर्मा से लोहित कर लिए, और चहल की वाइफ धनश्री, ये याद हो गया। भगवान ने मनुष्य को बनाया, मानस को बनाया, मानस जो क्या खाता, काजू बादाम पिस्ता, पिस्ता। जिया बरेली पगलारिया, थोड़ा अजीब सा नाम है, वो याद रह जाएगा, जिया बरेली पगलारिया। फिर सुबहान अल्लाह से सुबहान श्री, और राइम करता हुआ पिथुमारी, सुबहान श्री पिथुमारी, सुबहान श्री पिथुमारी। तो ये कौन सी नदियाँ हो गई, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हो गई, क्लियर क्या इतना, ठीक। तो हिमालयन वाला पार्ट खत्म, अब आता है कौन सा, पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपी भारत की नदियां, ठीक है, रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसमें मैंने बताया था, दो पार्ट में बांटा था, एक तो अरब सागर में जो जाके गिरेंगी लेफ्ट साइड, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में जो आकर गिरेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अरब सागर वाला देखते हैं, इसके अंतर्गत हेडिंग डाल लेना अरब सागर, अरेबियन सी। मैप ले आइट साइड जगह छोड़ना, ठीक है। इसमें लाइन्स अगर आपको याद करना हो, क्रम क्रम पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पूछता है, और नदी याद कर लेते लास्ट में, अगर वो ऑर्डर में जमाने देता सीक्वेंस में तो गलत हो जा, और लाइन से आपको याद रहेंगे तो मैप भी बनाते बनेगा क्लियर रहेगा, इमेज कौन कहाँ से निकल रही है, सहूलियत हो जाता है याद रखना। तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक कोड है, ले समानता, ठीक है। हमको लाना चाहिए क्या समानता, कि भेदभाव करना चाहिए, लाना चाहिए समानता, तो समानता याद रखना, लाना चाहिए क्या समानता, तो ला से याद रखना लूनी, लूनी। समानता सा से याद रखना साबरमती, सुने हो साबरमती, गांधी जी से रिलेटेड साबरमती। ठीक है, ये ऐसे क्रमानुसार आ रहा है ना, ऊपर से नीचे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लूनी, साबरमती, समानता, मा से याद रखना माही, समानता, ना से याद रखना नर्मदा, समानता, ता से याद रहेगा तापी, या उसको ताप्ती दोनों बोला जाता है, तापी या ताप्ती दोनों बोला जाता है। हेलो, चलो ठीक, तापी या ताप्ती दोनों बोला जाता है, ध्यान रखना तापी या ताप्ती, ठीक है। ये हो गया क्या समानता, ये ऊपर से नीचे आने वाली नदियां हैं, ठीक है, नोट डाउन करिए। हेलो हाँ दीदी, बताइए, क्लास ऑनलाइन चल रहा है ना, हाँ अलग अलग भी है, अच्छा वो नहीं, वो लेक्चरर का नहीं ले रहा हूँ, शिक्षक, सह शिक्षक ले रहा हूँ, लेक्चरर का नहीं ले रहा, हाँ सब्जेक्ट वाइज रहता हूँ, हाँ कॉमन सिलेबस है उसका, ठीक ओके, हाँ नहीं वो क्या, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, इलेक्शन वो नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं, ठीक है दीदी, ओके।
याद हुआ क्या बोला? समानता लाना है क्या? समानता लाना से लूनी, क्या लेके आना है? समानता, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी या ताप्ती। ठीक है, तो ये लाइन से ये गुजरात तक सीमित हो जाती है ना, नर्मदा तापी गुजरात तक सीमित हो जाती है। अब उसके बाद कुछ और नदियां हैं लाइन से नीचे ही आएंगी, इसको मैप पे दिखाता हूं मैं। जैसे ये आपका लूनी राजस्थान तरफ बहती है, ठीक है, साबरमती, नर्मदा, अच्छा माही भी आएगी राजस्थान तरफ बहती हुई, नर्मदा, तापी, ये सब इतने में ही सीमित हो जाते हैं। उसके बाद हमको स्टेट वाइज और कुछ छोटी छोटी नदियां पढ़नी है, जैसे गुजरात में कुछ बह रही हैं, गोवा में, कर्नाटक में। इधर इसका मैप ड्रॉ करना है तो बहुत आसान है, देखो ये एक बनाना है केरला, ठीक है, इसको यहाँ बीचों बीच से थोड़ा ऐसे काटोगे, ये आ गया आपका क्या, तमिलनाडु, ठीक, यहाँ से थोड़ा सा बस इतना ही डिस्टेंस लेके ये आपका इतना तक गुजरात हो जाता है। इसको तीन पार्ट में बांटने का काम करते, एक दो और तीन, तो ये इतना लेके आना, ये क्या हो गया कर्नाटक। इसके बीचों बीच से लकीर ले जाके थोड़ा सा ऊपर चलना, ये आपका क्या हो गया आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के बीच में क्या बोला ना, गोवा, ये दिख रहा है, ये दोनों को बॉर्डर को टच करता हुआ और ये बीचों बीच इससे लकीर जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसा शिवलिंग टाइप का बनाओगे, ये क्या हो गया तेलंगाना, ठीक है, और तेलंगाना के नीचे वाले पार्ट से ऐसा एक शिवलिंग टाइप का बनाना, वो क्या छत्तीसगढ़, ठीक। बट फिलहाल इधर नहीं, मैं इस नदी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो ये आपको मिल गया कि आप एक केरला, ये वाला हिस्सा कौन सा कर्नाटक, ये जो छोटा सा दिख रहा है गोवा, ये जो कनेक्ट होता है वो कौन सा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी छत्तीसगढ़ को जाके लगती है, ये इतना हिस्सा महाराष्ट्र, ठीक है। आगे और एमपी बना सकते हो, एमपी हौच पच हो गया, ठीक। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ठीक है। तो अरब सागर में यहाँ स्टेट वाइज हम देखते हैं कि कौन सी नदी जाके मिलती है अरब सागर में, ठीक है। तो ये समानता तो देख लिए, ठीक, इसके मैप के लिए जगह छोड़ दे रहे ना आप। इसी के अंतर्गत और स्टेट वाइज देखते हैं, एक नदी मिलेगी आपको कौन सा, सतरंजी, सतरंजी, एक नदी है मादर, ठीक है, दोनों कहाँ है गुजरात में, नाम थोड़ा अजीब है, ठीक, सतरंजी, सतरंजी गुजरात में है, कैसे याद किए, अभी स्टेट वाइज देख लेंगे ना। स्टेट मैंने बता दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और कौन सा केरला, ठीक है। तो सतरंजी, तो देखो शतरंज की चाल राजनीति में जैसे बहुत चाले चलते हैं वैसे शतरंज में भी तो चलते गया, ठीक है। तो जो चाल चलना जानता है वो सत्ता पे रहता है, ऐसा कुछ रिलेट कर लेना। तो अभी सत्ता पे कौन है, मोदी, अब मोदी का होम स्टेट कौन सा, गुजरात, तो शतरंजी से ये क्या रख लेना, गुजरात, ठीक है। अब मोदी जी वहाँ गुजरात में रह रहे हैं तो उनकी मदर भी कहाँ रहेंगी, गुजरात से, तो मदर से मादर कर लेना, ठीक है। तो शतरंजी और गुजरात दोनों किस में, इस तरीके से याद कर सकते हो, मैं जिस तरीके से किया हूँ फिर वो यही नदी याद रह जाएगा, उसके अलावा कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो शतरंजी और मादर दोनों कहाँ पे, गुजरात में। फिर महाराष्ट्र का छोड़ दो, गोवा याद रखना, गोवा, गोवा में देखते हैं, अग्निपथ देखे हो क्या ऋतिक रोशन का, तो उसमें ऋतिक रोशन को कौन सा क्षेत्र चाहिए रहता है, मांडवा, मांडवा चाहिए रहता है बोलते हैं, फिर संजय दत्त उसका कुटाई करता है, याद है, तो मुझे क्या चाहिए बोलते हैं, मांडवा, मांडवा की बहन है मांडवी, तो मांडवी नदी है कहां से निकलती है, गोवा, वो मांडवा था, ये क्या है, मांडवी, और इसके कोई भाई बहन नहीं, मांडवा, मांडवी, तो वो मांडवा से याद रख लेना कौन, मांडवी, ये कहां, गोवा में, गोवा। एक और नदी है जुआरी, जुआरी, ठीक है, जुआरी, ये भी कहां मिलेगा, गोवा में। मांडवा, मांडवी याद रख लेना, देखो गोवा भी तो महाराष्ट्र मुंबई के आसपास है क्या, है ना, तो वो मेरे को याद है, वो मुंबई चाहिए, मांडवा चाहिए, संजय दत्त को मुंबई चाहिए रहता है, उसको मांडवा चाहिए होता है, ठीक है। तो मांडवा यही मुंबई गोवा से रिलेट कर लिया मैं, ठीक है। तो मांडवा से मांडवी याद रख लेना, गोवा, वो अग्निपथ वाला मूवी रिलेट कर लेना। जुआरी, जुआरी को कैसे याद किया, जुआ खेलना कहाँ कहाँ लीगल है मालूम, यहाँ कहीं जुआ खेलने बैठोगे तो पकड़ के ले जाएगा आपको पुलिस, लेकिन कहाँ लीगल है, और नहीं ओनली गोवा नहीं, मैं भी सिक्किम गया तो मालूम चला कि सिक्किम में भी है कैसीनो वगैरह, वहाँ चलता है, गोवा में,
और सिक्किम में, दोनों जगह हुआ चलता है। तो वहाँ गया तो बहुत पैसा हार के आए, तो इसलिए दिलो जहन में बस गया। वहाँ ऐसा था कि एंट्री फीस ही 2,500, डिनर फ्री है बोल रहे हैं, डिनर के नाम पे सिर्फ ड्रिंक है, खाने पीने कुछ आइटम नहीं है। ठीक, और कैसीनो वाला गेम कभी समझ नहीं आया, बहुत पैसा हारे। तो जिस होटल में रुके थे उसी होटल वाले का वो कैसीनो क्लब था, फिर पैसा हार गया तो वो सांत्वना देने आया, कुछ नहीं होता है, कल और खेल लीजिएगा, कल रिकवर हो जाएगा। तो मैं बोला भाई हम छत्तीसगढ़ में ऐसा गेम नहीं खेलते, बोलते तो छत्तीसगढ़ में कैसा चलता है। तो मैं बोला बेटा ताश लेके आओ, तो उसको सिखाया कौन सा काट पत्ती, फिर काट पत्ती खेलने बैठे, तो पूरा सिक्किम का ट्रिप वहाँ से खर्चा निकल गया। ठीक है, लेकिन जो उसके कैसीनो में खेले तो हारे थे, बाकी फिर रिकवर हो गया। तो ऐसे याद है जुआरी दो जगह चलता है, गोवा और सिक्किम, तो जुआ जुआरी लीगल है, तो उससे याद रखना क्या गोवा, मांडवी जुआरी कहाँ पे गोवा, गुजरात हो गया गोवा, महाराष्ट्र का याद नहीं करेंगे। फिर आता है कौन सा केरला, कौन सा केरला, केरला में नदी है, केरला नहीं यार कर्नाटक, करना कर्नाटक पहले पड़ेगा, कर्नाटक में एक नदी है इंपॉर्टेंट, भरत पूजा, भरत पूजा। ठीक है, और पेरियार, एक है पांबा, ठीक, भरत पूजा, पेरियार, पांबा, तीनों कहाँ, एक मिनट सॉरी, ये केरला वाला है, कर्नाटक वाला शरावती और गंगा वैली, कर्नाटक का ये दो नदी है और ये केरला का है, शरावती और गंगा वैली। एक बार ऐसे ओवरव्यू देख लोगे ना, सारी नदियां भी खत्म हो जाएंगी इसके बाद, भैया बंगाल तरफ का बताऊंगा तो परमानेंट याद रहेगा, और जब रिवर अंदर डीप में पढ़ेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। क्या बताइए, हम लोग अरब सागर में जाकर मिलने वाली नदियां देख रहे हैं, छोटी मोटी नदियां हैं जो स्टेट वाइज देख रहे हैं, गुजरात से स्टार्ट किए, मैप पे बताया गुजरात पहले पड़ेगा। ठीक है, गुजरात में और साबरमती, ताही, नर्मदा, ताप्ती, वो भी उधर ही फ्लो होती है। ठीक, लेकिन उसको अलग से देख लिए, लाना है क्या समानता से याद कर लिए। गुजरात में देखिए, याद किए एक शतरंजी, शतरंज का चाल और राजनीति, मोदी ये सेलेक्ट कर लिए, उसकी मदर वहाँ रहती है, मदर वहाँ सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद गुजरात के बाद क्या, गोवा, महाराष्ट्र स्किप कर दिया, गोवा, गोवा में दो नदी, मांडवी, वो मांडवा पढ़े थे, वहाँ से मांडवी सेलेक्ट कर लिए। फिर जुआरी, जुआ वहाँ लीगल है तो वहाँ से जुआरी याद कर सकते हो। कर्नाटक में एक शब्द है नाटक, तो कर्नाटक के अंतर्गत जितने भी चीज़ें हैं, ना सिर्फ नदी, कोई भी चीज़ कर्नाटक के अंतर्गत है, उसको मैं नाटक से रिलेट करके याद किया हूँ। ठीक है, तो कोई शरारत करता है तो क्या बोलते हैं, नाटक मत कर, तो शरारत से रखना शरावती, शरारत से क्या रखोगे शरावती, शरारत नाटक, नाटक मतलब कर्नाटक। और कौन शरारत करती पूछने से, तो गंगा, गंगा बेली, गंगा बेली भी कहाँ, कर्नाटक, गंगा अलग है, राम गंगा अलग है, गंगा बेली अलग है, गंगा बेली कहाँ पे, कर्नाटक। ठीक है, फिर आता है केरला, केरला तो मैं भरत पूजा, पेरियार और पांबा ये लाइन से है। तो केरला की मेरी अपनी कहानी है, तो उसको भी याद करके ऐसा मेरा बीपी बढ़ जाता है, ऐसा मैं रिलेट करके याद कर लिया हूँ। ठीक है, केरला उसकी घटना याद करके बीपी बढ़ जाता है, बीपी से, बी से अगना भरत पूजा, पी से पेरियार, और पी से एक और है पांबा, भरत पूजा, पेरियार और पांबा, लिखिए इतना, ये केरला का है। याद करने का टाइम दूंगा आपको, अगर थोड़ा बर्डन लग रहा है, लग रहा है क्या, कोई जवाब नहीं मतलब लग रहा है, कल देखे बाकी। चलिए इतना याद करिए, मैं बे ऑफ बंगाल वाला कल बता दूंगा। ठीक है, उसका भी लाइन से खैर इजी है, सुन लो नाम, सुन लो, देख लो, कल नोट डाउन कर लेना, कल फिर से बता दूंगा, सिर्फ सुनना ही और बाकी तो याद करने।
ठीक, ये इंडिया पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर पार्ट हो गया इसका इंडिया का। यहाँ पे मैंने बोला गंगा, ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, गंगा गंगा में बहती है आगे, और एक हुगली नदी में, हुगली नदी में एक नदी आके मिलती है दामोदर। सुनना बस, कल और बताऊंगा तो रिवाइज हो जाएगा, याद रह जाएगा दामोदर, ठीक है। फिर लाइन से चार नदी, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब सुने होंगे लाइन से, साउथ इंडिया की फेमस रिवर है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो बस गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी, तीन नाम और है, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार। और देन यहां पे आता है कावेरी, फिर आता है वैगई और ताम्रपर्णी, ये नदी है लाइन से, ये हुगली नदी, हुगली नदी में आके मिलती है दामोदर। तो यहां से पेनिनसुलर वाले को काउंट करते हैं, ठीक है, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बीच में आ जाता है गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावी, वैगई और ताम्रपर्णी, ठीक है। अब बना लियो तो लिखी लो, ये हेडिंग डालना, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलने वाली नदियां। स्वर्ण रेखा, इंग्लिश में भी नाम यहां पे लिख दे रहा हूं, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ये महानदी तो छत्तीसगढ़ वाला ही पार्ट है, ठीक है। कुछ नहीं समझ आया तो बताना। वैगई, हाँ लाइन से बता दे रहा हूँ, देखो दामोदर, ये वाली जो नदी है हुगली है, ये जो इस पे आके मिल रही है दामोदर है, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी, ठीक है, फिर वैगई और ताम्रपर्णी, वैगई और ताम्रपर्णी। ठीक, क्लियर, लिखे, चलिए शुरुआत से एक बार रिवीजन मैं बता रहा हूं, फिर पूछूंगा, ठीक है।
भारत की नदियां दो भागों में पड़ने जा रहे हैं, एक हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीपी भारत की नदियां पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, नदी और नदी अफात अंतर क्या होता है बता दिया। ठीक, नदी से अलग है नदी अफात अंतर, नदी और जितनी नदियों को ले जाकर मिल रही है उस सिस्टम को बोलाता है, उस तंत्र को बोलाता है, उस सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम या अफात तंत्र। ठीक है, नदी अफात तंत्र। हिमालय के अंतर्गत तीन अफात तंत्र देखे जो मेजर है, एक सिंधु, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु याद किए थे, मानसरोवर में पड़ता था से मानसरोवर झील, सतलज भी मानसरोवर झील देखे थे और ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर झील। ये तीनों नदियाँ जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अलग अलग ग्लेशियर के नाम है, जैसे बताया सिंधु का चोमोलुंगलुंग या चेमायुंग ऐसे नाम है ग्लेशियर से निकलती बोलते हैं, जैसे सतलज है वो राक्षसताल झील या राक्षसताल। ठीक, बट फिलहाल याद रखना मानसरोवर झील। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ अगर देखेंगे और उत्तर से नीचे देखेंगे नॉर्थ से साउथ, तो सिंधु था सिद्धू पाजी याद किए थे, सिद्धू पाजी क्या करता है झेलाता से याद करते, झेलाने से झेलम, चिंदते से चिनाब, रोज से रावी, व्यास सतलज। इसको राइम में भी याद कर सकते हो, वो जवान में चढ़ जाता है, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज बोलोगे तो चढ़ जाता है, जैसे ए बी सी डी बोलते बोलते याद हो जाता है वैसे ये भी याद होता है। ठीक है, अब सिंधु नदी के बाद देखे गंगा, गंगा में पहले ऊपर से आकर मिलने वाले देखे, गंगा से मिलते उलते यह गंगा देन राम गंगा, फिर गौमती वाला पार, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा। नीचे से बताया यमुना उसको फॉलो करती है और यमुना तो है ही, यमुना में खुद चार नदी जाती है जो अल्टीमेटली गंगा की पार्ट है, गंगा की सहायक नदी ही बोलेंगे उसको, जो निकलती कहाँ से, मालवा प्लेटू से, मालवा के पठार से। और ये चार नदियाँ कौन सी है, चंबल, कालीसिंध, बेतवा, केन, और एक और सोन है जो मालवा के पठार से नहीं निकलती, वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है, क्लियर। याद कैसे किए थे, कंबल से रखना, जैसे लड़के मारते पीटते हैं कंबल डाल के, वैसे कंबल डाले किसको मारे इस बार, काली लड़की को, बत्ती दिए, ठीक है, वो चिल्लाई कौन कौन, आवाज आया सोन सोन, कंबल, चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, सोन। ये हो गया गंगा वाला पार्ट। ब्रह्मपुत्र वाला पार्ट, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, नौ टोटल सहायक नदियां देखे, उस नौ को कैटेगरी वाइज बांट देना याद रहेगा। ठीक है, बहुत सारी सहायक नदी फिर याद नहीं आता। तो ब्रह्मपुत्र का देखो, शुरुआत में नाम से याद किए थे, एक देवांगन से देवांग याद कर लिए, देवांग, रोहित शर्मा से लोहित याद कर लिए और धनश्री याद कर लिए। देवांग और लोहित कहाँ से निकलती, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद जिया बरेली पगला रिया, थोड़ा अजीब सा नाम है तो वो याद हो जाएगा, जिया बरेली और पगला रिया। ये क्लियर क्या, जिया बरेली पगला रिया। मनुष्य को बनाया, मनुष्य मतलब मानस को बनाया, मानस से मानस और पिस्ता, मानस क्या खाता है, काजू बादाम पिस्ता, तो पिस्ता से याद रखना क्या, पिस्ता याद रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा सुभान अल्लाह से सुभान श्री याद रखना, सुभान श्री पिथुमारी, ये राइम करता है सुभान श्री पिथुमारी, तो याद रह जाएगा। ठीक है, तीन दो पाँच और कुछ छोड़ रहे हैं, नहीं नौ तो ये है। ठीक, ब्रह्मपुत्र के बाद अब हम लोग शिफ्ट किए किधर, दक्षिण की ओर, साउथ वाले दीवार, तो जो अरब सागर में जाके मिलती हैं, तो लाना है हमको क्या, समानता, तो लाना से लूनी समानता, सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती या तापी। उसके बाद स्टेट वाइज कुछ नदियां देख लिए। ठीक है, जो एक्चुअल में स्टेट वाइज इसको अलग क्यों कैटेगरी में कर दिया, ये जो प्लेट्यू है ना, ये इतना तक कोस्टल प्लेन बोलते हैं इसको, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, मैदानी टाइप का पार्ट रहता है, और ये फिर उठा हुआ है, तो जो उठा हुआ पार्ट है वहां से जो नदियां बहती है, और इस पार्ट को जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं इसको, पश्चिमी घाट, और इसी का नाम है सह्याद्री। क्या सह्याद्री, वेस्टर्न घाट। इधर ये पूरा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ जैसा लगेगा, एक साइड तो पहाड़ लगेगा ना, इसका जो 2D फिगर में बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है इसका 2D। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं जाती कौन सी, अरब सागर में, और ये जो नदियाँ हैं जितनी भी गुजरात से बताया स्टेट वाइज जो बताया, वो बहुत ज़्यादा फ्लो में बहती है, मतलब एकदम स्पीड रहता है, क्यों, तीव्र ढाल से बहती है ना। अगर एक पानी मैं ऐसी नॉर्मली जमीन में गिरा दूं तो धीरे धीरे बहेगी, और सीढ़ी में गिराऊं तो सीढ़ी क्योंकि ऐसे स्लोप करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, ढाल थोड़ा तीव्र हो गया तो कुछ ज़्यादा स्पीड, उसका और कैटेगरी क्यों बटा आगे देखेंगे, फिलहाल इतना याद रखना। ठीक है, इतना क्लियर। वो ऐश्वरी का निर्माण करती है ज्वार नदबुक, फिलहाल इसको अलग स्टेट वाइज देखे, गुजरात से स्टार्ट किए थे, गुजरात में सतरंजी और मादर, गुजरात के बाद गोवा, महाराष्ट्र छोड़ दिए गोवा, गोवा में दो है मांडवी और जुआरी, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक में शरावती और गंगाबिली, नाटक करने से लेट करके याद कर सकते हो, नाटक कर रहे हो शरारत कर रहे हो शरावती, और गौन कर रहा तो गंगा कर रही गंगाबिली, फिर केरला, केरला बीपी हाई हो जाता है करके याद किया था,
ठीक है, वो आपको याद होना हो तो ऐसे नॉर्मली बीपी याद कर लेना, भरत पूजा पेरियार पांबा, ये क्लियर। बंगाल की खाड़ी तरफ जाने वाली नदियां देखें, गंगा बताया, गंगा आगे चल के दो में भाग बढ़ जाता है, दो भाग में, एक गंगा जो बांग्लादेश में जाती है जिसका नाम बाद में पद्मा हो जाता है, और एक जो पश्चिम बंगाल में बहती है उसका नाम है हुगली, हुगली नदी। उस हुगली नदी में आती कौन सी, दामोदर नदी, ठीक। तो दामोदर को हम वहां से पेनिनसुलर में काउंट करते हैं, दामोदर नदी। फिर दामोदर के बाद क्या बताया, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी। जैसे गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये सुने होंगे नाम, गोदावरी कृष्णा पिन्नार कावेरी। फिर लास्ट नीचे तमिलनाडु से निकलती है वैगई और ताम्रपर्णी, तमिलनाडु तरफ है उसका फ्लो, ठीक है। तो ये पूरा नदी का ओवरव्यू देखना, इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तब वो ऑफ कर दो।